अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ इबादुल्ला और आप देख रहे हैं रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप तमामी हज़रत खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही एक लाजवाब अमल के साथ। उम्मीद है कि दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर किसी शख्स पर जिन्नात, खबीस, भूत, प्रेत या तो किसी तरह की बुरी आत्मा का असर होने की वजह से उस शख्स के अंदर तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां पाई जा रही हैं, जिन परेशानियों को दूर करने के लिए, जिन बीमारियों को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास दवा के लिए चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन दवा बार बार करने के बाद भी कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। कई बार आपने जो है जांच करवाए लेकिन उसका रिपोर्ट जो है नॉर्मल है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जाहिर सी बात है, जब भी किसी शख्स पर जिन्नात या फिर खब्बीस का असर हो तो उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है, जैसा कि सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, बेचैनी सा महसूस होना, रात में नींद ना आना, नींद आते ही तरह तरह की ख्वाबें आना और डर जाना, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां बन सकती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपके घर में रिश्तेदार, आपके ख़ानदान में किसी के साथ अगर ये परेशानी पाई जा रही है, तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अमल करने का तरीक़ा आप मुलाहिजा करें। अमल जो है बहुत ही लाजवाब अमल है, बस अमल को करते ही सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अमल को कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में गुफ्तगू करते। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो हज़रात हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इसी रिलेटेड वीडियो के साथ रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता हूं, ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, अमल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, जो परेशानियां पहले मैंने बताई, अगर किसी शख्स के अंदर वो परेशानियां पाई जा रही हैं, यानी किसी शख्स पर जिन्नात खब्बीस का असर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिलास में एक गिलास पानी लेना है। पानी लेकर आप क्या करें, 21 मरतबा यह दुआ आप सबसे पहले पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारकुम मुस्तकीम, बिहक इजाक नअबुदु व इजाक नस्तईन, या हादी या वली इल्ला यादी। यह दुआ है दोस्तों, आपको 21 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ने से अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो है पानी में एक मरतबा दम करें, जिस गिलास पर आपने पानी लिया है उस पानी में एक मरतबा दम करें। वह पानी आप क्या करें, थोड़ा सा मरीज़ को पिला दें और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर मरीज़ के जिस्म या तो चेहरे पर छिड़क दें। इतना आपको करना है। करने के बाद अगर मरीज़ के सर या फिर पेट या जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको और दूसरा अमल करना है। वो अमल कौन सा है, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। तेल लेने के बाद यही दुआ आपको पढ़ना है, उसी तरीके से 21-21 मरतबा अव्वल व आखिर कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है तीन तीन मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, तेल में दम करना है। दम करने के बाद वो तेल जो है जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर ठीक से आप मालिश करें, मैसेज करें, देखेंगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो तेल में आप दम करेंगे, ये तेल जो है थोड़ा सा उंगलियों में लेना है और लेकर मरीज़ के जो है मरीज़ की ज़ुबान पर लगा देना है, और थोड़ा सा तेल फिर से उंगली में लेना है। लेने के बाद जो है मरीज़ के नाक के दोनों सुराखों में थोड़ा सा
डाल देना है और थोड़ा कान में इर्द गिर्द लगा देना है और हो सके तो आँखों के ऊपर भी लगा देना है। बस यह अमल आपको करना है, करने के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतियाब हो जाएगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यह अमल एक मर्तबा करने से मरीज सेहतियाब नहीं हो रहा है तो आप इस अमल को 11 दिन तक जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला 11 दिनों के अंदर अंदर मरीज बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा। यह 11 दिन का जो अमल मैंने बताया है किसी भी वक्त किसी भी टाइम आप कर सकते हैं किसी भी दिन, मगर जिस दिन से आप शुरू करेंगे नागा नहीं करना है, बीच में लगातार कंटिन्यू इस अमल को करते जाना है, नागा करेंगे तो फिर से शुरू से करके जाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह अमल जो है आपको खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रा लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है, मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।